ऐसा है जी, जैसे दूसरों में राइट जो हब होती है वो ग्रीस वाली होती है और उस क्वालिटी पे नहीं होती, उसमें जब धान में पडलिंग होती है तो उसमें गारा और पानी चला जाता है जिसकी वजह से बैरिंग वगैरह का टूटने की शिकायत आती है। इनमें वाइब्रेशन नहीं है, बैलेंस काफ़ी है और पेंट भी है, वो 8 लेयर पेंट है, क्वालिटी वाइज ख़राब नहीं होता। ज़मीन की जो ठुकाई है वो नहीं होती और ये रोटावेटर फंस के नहीं चलता, इस वजह से ट्रैक्टर पे लोड कम देता है और कम की वजह से मतलब इसके ऊपर डीजल भी सेव करता है ट्रैक्टर, जब ओवरलोड नहीं होता तो डीजल भी कम खाता है और ज़मीन अच्छी भरभूरी बनाता है, ट्रैक्टर गहराई पूरी लेता है और उसके बावजूद डीजल कम खाता है। दूसरा, इनके 400 इम्प्लीमेंट हैं जिसमें से रोटावेटर है हमारे पास 3 फुट से लेकर 10 फुट तक पूरी रेंज है, 3, 3.5, 4, 6, 7, 8, 9, 10।